स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर ईएफएम फर्स्ट में मैंने आपको पूर्व व्याख्यान में बताया था भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे, भारत एक समृद्ध राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता व्याप्त है। भारत एक धनी राष्ट्र है किंतु इसके निवासी बहुत निर्धन हैं, इसके क्या कारण हैं और भारत समृद्ध राष्ट्र कैसे है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत एक समृद्ध एवं धनी राष्ट्र है, यानी भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बनावट, खनिज संपदा, वन व जल संपदा, मानवीय संसाधन आदि दृष्टि से अत्यंत संपन्न एवं धनी देश है। निम्न आधारों पर हम कह सकते हैं कि ये संपन्न है। जैसे नंबर वन, उत्तम भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतरों में भारत की मध्यवर्ती स्थिति के कारण यह विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण यह विविध फसलों के उत्पादन के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से उत्तम भौगोलिक परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ। इसी तरह से हमारा जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 30.58 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग विविध कार्यों के लिए होता है। देश में तकरीबन 28.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसी तरह से तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संपन्न है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है हमारा, यानी भारत में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। इससे विशाल जनसंख्या को भरण पोषण के लिए खाद्यान्न एवं अन्य उपयोगी उत्पाद एवं रोजगार प्राप्त होता है। यानी कि भारत के उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज का करीबन 2400 किलोमीटर लंबा और 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है, जहां चावल, गेहूं, कपास, जूट, चाय आदि फसलें उत्पादित होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ अपार जल संपदा भी है, यानी कि भारत में जल स्रोतों के रूप में नदियाँ, झीलें तथा अतः समुद्र प्रमुख है। भारत की नदियों में प्रतिवर्ष 1,67,300 से लेकर 1,88,100 करोड़ घन मीटर पानी प्रवाहित होता है। भारत का पातालीय जल स्रोत 42,400 करोड़ घन मीटर है। इस प्रकार हमारे यहाँ विशाल मात्रा में जल स्रोत भी है। इसी तरह से हमारी वन संपदा के क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग वन क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन वनों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की लकड़ी, ईंधन व औद्योगिक उपयोग की लकड़ी व अनेक वस्तुएं जैसे बांस, गोंद, कत्था, लाख, रंगरोगन का सामान, रबर, रेशम, कागज, तारपीन का तेल तथा उपयोगी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। यानी वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र एवं जंगली जानवरों के आश्रय स्थल भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो देश है वो समृद्ध है। इसी तरह से अथाह खनिज संपदा भी है हमारे पास। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से धनी देश है। विश्व के लोहे भंडारों का लगभग 25% भाग भारत में विद्यमान है। अभ्रक की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी कि तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, जस्ता, जिप्सम, गंधक, चूना, अणु खनिजों का भारत में विशाल भंडार है। इसी तरह से शक्ति के विशाल स्रोत भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यानी कि शक्ति के साधनों में जैसे कोयला, खनिज तेल, अणुशक्ति, जल विद्युत आदि के विशाल स्रोत हैं। भारत में कोयले के अनुमानित भंडार 8,095 करोड़ टन के करीब है। भारत में अणुशक्ति के भी अपार स्रोत हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ खनिज संपदा विशाल, शक्ति का भी विशाल स्रोत है और खनिज संपदा का भी विशाल संपदा हमारे उपलब्ध है हमारे पास। इसी तरह से उपयुक्त धरातल भी हमें देखने को मिलता है भारत में, कि भारत की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसको संपन्न बनाती है। हमारे यहाँ एक ओर तो पर्वतीय एवं पठारी भाग नदियों के उद्गम स्थान है, वन संपदा के आधार तथा खनिज संपदा के प्रचुर भंडार है। वहीं दूसरी ओर मैदानी एवं तटीय क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। धरातल की बनावट में भिन्नता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। इस तरह से विशाल मानव शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि सन 2011 में भारत की जनसंख्या तकरीबन 121 करोड़ हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विशाल मानव शक्ति उपभोग तथा उत्पादन दोनों को प्रोत्साहन करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि को बल मिलता है।
इसी तरह से अनुकूल जलवायु भी है। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विशालता में विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु का विचित्र संयोग है। पर्याप्त वर्षा एवं अनुकूल जलवायु फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। इस तरह से तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों की प्रचुरता देश को शीघ्र संपन्न बना सकती है। विगत वर्षों में तो यह संख्या और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी तरह से सामुद्रिक संपत्ति के हिसाब से देखें तो भारत में तीन और समुद्र है जो सुरक्षा एवं जलवायु की दृष्टि से अनुकूल है। इसी प्रकार उपयोगी पशु संपदा की दृष्टि को भी हम देखें तो भारत में पशुओं की संख्या तकरीबन 35.5 करोड़ है। इनमें हमें दूध, खाद, चर्बी, चमड़ा, घी, मक्खन, पनीर एवं हड्डियाँ प्राप्त होती है। यानी भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ यातायात व कृषि कार्यों में भी इनका बहुत महत्व है। इसी तरह से हम अगर देखें तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हमारा देश संपन्न है, लेकिन संपन्नता के बीच विपन्नता हमें देखने को मिलती है। यानी भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं, या हम कहें कि भारत में गरीबी क्यों, इसके महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से हैं कि जैसे आपके नंबर वन है प्रति व्यक्ति आय का कम होना, यानी भारत के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है, जहाँ 2014 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $52,947 थी, नॉर्वे में $64,992 थी, जर्मनी में $43,919 थी, वहीं भारत में प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $5,497 मात्र थी, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इस तरह से बेरोजगारी का स्तर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारी जनसंख्या में वृद्धि दर के हिसाब से रोजगार में वृद्धि न होने के कारण बेरोजगारी व्यापक स्तर पर फैलती जा रही है। इसी तरह से निम्न जीवन स्तर के भी हमारे यहाँ है। भारत के निवासियों का जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले बहुत नीचा है, निम्न है। भारत में निर्धनता के कारण व्यक्ति के आय, उपभोग, कार्य क्षमता आदि का स्तर निम्न है, जो गरीबी के कुचक्र के कारण निम्न ही बना रहता है। इस तरह से पूंजी निर्माण का निम्न स्तर होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है भारत के गरीब होने का, कि भारत में लोगों की आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर बहुत निम्न है। इसी तरह से उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे गरीब रहने का। यानी भारत की निर्धन जनता भी कृषि, उद्योग, यातायात एवं अन्य सभी क्षेत्रों में परंपरागत व पिछड़ी तकनीक पर निर्भर है। विकसित देशों में कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, बुलडोजर, थ्रेशर, ग्रेन हार्वेस्टर आदि आधुनिक यंत्र है। यहाँ छोटे छोटे काम में बहुत समय लग जाता है तथा उपज भी कम ही हो पाती है। इस प्रकार विकसित देशों की तुलना में उद्योगों में भी पुरानी घिसी पिटी तकनीक ही काम में हम ले रहे हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ जाते हैं। इस तरह से भारी ऋणग्रस्तता हमें देखने को मिलती है। भारत में प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए पूंजी व नवीन तकनीकी के आयात के कारण ऋणग्रस्तता में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। यानी भारत का भुगतान संतुलन 2 वर्षों को छोड़कर बराबर प्रतिकूल चलता आ रहा है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारी ऋणग्रस्तता हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से परिवहन साधनों का भी अभाव जो है हमें देखने को मिल रहा है। परिवहन सुविधाओं के अभाव में अभी भी बहुत से गांव शहरों से नहीं जुड़ पाए हैं, इस कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्स्टेकल या समस्या हम कह सकते हैं, जिसके कारण हमारा देश गरीब है। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। हमारे देश में लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जो उचित चिकित्सा के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भरपेट भोजन नहीं मिलने तथा रहने को उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग तो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गरीबी व कुपोषण के कारण अनेक बीमारियां एवं महामारियां फैलती है। इसी तरह से निर्धनता का कुचक्र भी, यानी भारत की जो करीब 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना इस बात का सबूत है कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। यानी उपर्युक्त जो हमने आपको बात बताई उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत सभी प्रकार के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों से संपन्न होते हुए भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति के यथोचित विदोहन के अभाव में गरीब है। धन्यवाद।